सरपंच, प्रमुख व जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव 18 दिसंबर के बाद ही हो पाएगा। जैसे कि पता है 12 दिसंबर को लास्ट इलेक्शन है और 14 दिसंबर को गिनती है, उसके बाद यह प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो इनडायरेक्ट जो चुनाव होता है उप मुखिया का, उप सरपंच का, प्रमुख साहब, जिला परिषद अध्यक्ष, इसका चुनाव 18 के बाद हो पाएगा। जैसे कि पता है त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव अब अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अब सिर्फ अंतिम चरण का चुनाव कराया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत आम चुनाव में निर्वाचित सभी प्रतिनिधियों के नामों की सूची गजट में प्रकाशित कर दी जाए। इसके लिए आयोग ने सभी जिला को 18 दिसंबर तक निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नामों की सूची प्रकाशित करने की तिथि निर्धारित कर दी है। अब इसके बाद पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अपने बीच से अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से उप मुखिया, उप सरपंच, प्रमुख, उप प्रमुख, जिलाध्यक्ष और जिला परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाना है। आयोग द्वारा अभी सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद शपथ ग्रहण और आगे का निर्वाचन को लेकर कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि 18 दिसंबर के बाद ग्राम पंचायत के उप मुखिया, ग्राम कचहरी के उप सरपंच के साथ पंचायत समिति के प्रमुख और उप प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि घोषित कर दी जाएगी। उप मुखिया और सरपंच, उप सरपंच के निर्वाचन के लिए सदस्यों को 2-3 दिन पहले नोटिस देने के बाद निर्वाचन की तिथि निर्धारण किया जाता है। इसी तरह से पंचायत समिति के सदस्यों को प्रमुख और उप प्रमुख के अलावा जिला परिषद सदस्यों को जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 7 दिनों का पहले नोटिस दिया जाता है। चलिए दोस्तों, इस तरह मालूम चला कि जो शिक्षक नियोजन भर्ती प्रक्रिया है वो दिसंबर में नहीं हो पाएगा। अब कोई भी काउंसलिंग जो नवनिर्वाचित गठन होने के बाद ही अब जनवरी में होना संभव ही है।